डिसोमेथासीन कर देते हैं, पहला ऐसा कहला है एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट जो है उसमें जो भी आपका सोर्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है, उसको लेने के बाद आप अगर कहीं उसको क्लैरिफिकेशन करते हैं, मिसाल के तौर पर आपको तो वेल वाटर कितनी टर्मिनिटी होती है, वेल वाटर की आप फ्लॉक्स बन जाते हैं। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि आपने कोएगुलेट पानी में डाला, कॉल्ड इट ए कोएगुलेशन, ठीक है। उसके बाद इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ने अट्रैक्ट किया पार्टिकल्स को और फ्लॉक्स बन गए, उसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लॉकुलेशन। और जब ये सेटल डाउन होकर नीचे क्लैरिफिकेशन में जर्नल प्रोसेस सारे होने होता है, और फिर इसके अलावा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी है कि आपको अगर क्लैरिफायर बनाना है तो और आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिमांड डिपेंड करता है और क्वालिटी वाटर क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ आप जो करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लैरिफिकेशन। अब ये आपके पास नहीं है, अब आपके पास है सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस।
16. Read down again. Yeah, 12.5. 12.5. Total ये सब कुछ? जी जी 12.5. आपकी हाइट कितनी है? 12. मल्टीप्लाइड बाय 12. ये मेरा ख्याल है कि 14 हो गया. 150.7 मल्टीप्लाइड बाय 28.31 4266 ये ठीक है. ये कैपेसिटी हो गई आपके, ये वॉल्यूम हो गया आपका इस बैग का. ठीक है, अब आप इसको हम आ जाते हैं आपकी कंजर्वेशन. बेसिकली जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसके पहले हमें था 1500, अब हमने उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया ताकि वो आपका जो है सेफ वाली बैग वाली. उसका फिर उसका स्टेप्स बताएं, ये भी हम इसमें ज़्यादा स्टेप करते हैं ताकि पानी की वो एयर और वाटर रेजिंग से वो फिर उसको पूरा प्रोसेस को लगा. और इस वक्त सेट पॉइंट कितना हमारा? 26 हो गए. उन्होंने कर दिया होगा क्योंकि वो मैं खुद ही अपने तजर्बे से तजर्बे से ज्यादा आप सब लोग पढ़े लिखे लोग साइंटिफिक मैनर में कितना फ्लो रखते हैं आप?
तो ये आप 42 मिनट करते हैं, इस 42 मिनट का काम आप 10 से 12 मिनट में टोटल कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट का वाटर बच जाएगा। अब ये जो पानी आपका निकला है बैक वॉशिंग के जरिए, इसको आप अपने मेन वेस्ट में ना ले जाएं, इसको अपने मेन वेस्ट में ना ले जाएं, क्योंकि अब हमको अल्टीमेटली तवज्जो देनी है इस बात पर ज्यादा कि जो आपका वेस्ट वाटर है ना, हम उसकी क्वांटिटी को कम करना चाहते हैं। आपको 500 क्यूबिक मीटर को ट्रीट करना मुश्किल है, 50 को आसान, तो हम उसको 500 होने देंगे। क्यों ना ये फर्ज कर ले, यहां से जो ये पानी निकला, फर्ज कर ले 30 क्यूबिक मीटर पानी था हमारे पास, हम इस 30 क्यूबिक मीटर पानी को अपने पास किसी जगह जमा कर ले, ठीक है, और इसको जमा करके इस पानी के अंदर इस पानी को आप इंतहाई कम पैसों से, 30 क्यूबिक मीटर का मतलब ये हो गया कि अगर आप एल्युमिनियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है 20-30 या मैक्सिमम 50 रुपीज की आपको एल्युमिनियम सल्फेट चाहिए या 100 रुपए की एल्युमिनियम सल्फेट चाहिए इसको सेटल डाउन करने के लिए, क्योंकि इसमें और कोई ना टॉक्सिक मेटल है ना हैवी मेटल है, इसमें सिर्फ क्या चीज़ है, इसमें सिर्फ टर्बिडिटी है, ठीक है, प्रैक्टिकल इसे तो आप इंतहाई आसान से आसानी से आप अपने पास ट्रीट कर सकते हैं। तो आपके पास जो मेन वेस्ट वाटर जा रहा है उसमें से ये 30 क्यूबिक मीटर को कम हो गए, तो आपने साइंटिफिकली क्या करना है, इसके आउटलेट को चेक करना है, इसकी टर्मिनिटी, ये सब साइंटिफिकली आप सब पढ़ लिखे हो। एक आदमी आता है आपको मैन्युफैक्चरर, जैसे अभी मैंने एक और इंडस्ट्री में देखा है, तो उसने कहा कि जी सर जी हम आपको डैमिंग प्लांट लगा देते हैं, डिमिलाइजेशन तो मिलियन ऑफ मिलियन किसका लगा है, अभी मुझे परसों वो साहब बता रहे थे उसके ऑनर कि सर 3 दिन चला है और उसके बाद वो चल सकेंगे, तो मैंने कभी उसको बुलाया वापस, मैंने वो भाग गया, मैंने कभी क्यों भाग गया, अपने पैसे पूरे दे दिए, कभी पैसे तो उसने पूरे ले लिए, तो मैंने कहा वो क्या करता था, कहना वो पहले आरो प्लांट सर बनाता था, तो मैंने सबको कहा उसके मालिक को, मैंने कहा पहले तो वहीं चले, फिर मैंने पूरा घंटा लगाकर डिमिनरलाइजेशन पर उनको लेक्चर दिया, सारे फूड के लोग भी थे, ईपी के लोग भी थे, उनका सारा टेक्निकल स्टाफ भी था, अब उनको जब पता चला तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सब कुछ पता ही नहीं था, आपको भी पता था लेकिन आपके पास ये डर रहा है जो एमफिल आपने रखा हुआ ये किस मर्ज के लिए रखा हुआ है, अगर ये डर रहा है एमफिल की हवा आपके पास है तो पहले तो उससे आप ये पूछिए लगाने से पहले कि भाई तुम क्या लगाओगे, इसका प्रोसेस कैसा होता है, इसका रिएक्शन क्या होता है, अगर उसको ये सब कुछ नहीं पता तो फिर आप उसको कैसे कॉन्टेक्ट अबाउट कर रहे हैं, तो ये होगा वो काम करेगा पता जाएगा। बदनसीबी ये है कि ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ये अपने एक्सपीरियंस पे ना इनको रिएक्शन का पता होता है ना किसी चीज़ का पता होता है, किसी जगह काम कर रहे होते हैं वहाँ से छोड़ के फिर अपना कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं और इस तरह का करते हैं, 2-4-10 दिन वो ग्रांट चलता है फिर बंद हो जाता है। बदनसीबी वक्त की बात यह है कि हमारा पढ़ा लिखा स्टाफ जो है उसको वो लोग कैप्चर कर लेते हैं, क्यों कि हमारा जो पढ़ा लिखा स्टाफ है उसको स्टडी करने की आदत नहीं है। अगर आप सब लोग स्टडी करें 15 मिनट अपने जो भी आप काम करते हैं अगर उस 15 मिनट में उसमें से निकाल के आप उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर स्टडी करें तो कोई आदमी आपको चीज नहीं कर सकता, वो करते इसलिए कि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती नहीं। तो अब आपने क्या किया, आप देखें आपने कितना पानी बचा लिया इसमें, ठीक है, सिमिलरली यही मामला आपको किसमें कर रहे हैं, एक्टिवेटेड कार्बन की बैग, बिल्कुल सेम, उसमें भी किसी सिल्वर इंजन की जरूरत नहीं है। अब फर्ज कर लें यहाँ पर आप जो है ये 242 मिनट तक जो पानी देते थे आपके टोटल कंज्यूम किया ये 30 क्यूबिक मीटर पानी, पहले तो आपने 30 क्यूबिक मीटर पानी वहां बचा लिया कि जो आपने 42 से उसको करके 12 मिनट में ले आए या इससे भी ज्यादा पानी बचाया, और अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपने ये सारा पानी जो वेस्ट हुआ
इसको भी आपने ट्रीट करके दोबारा इसको 100% वैसे ही जाएगा कि जैसा आपका कुएं से पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये वाटर आपने 100% जीरो डिस्चार्ज पर आपने अब आपने कोई पानी को वेस्ट नहीं किया, जो वेस्ट किया उसको भी ट्रीट कर लिया। तो पता चला कि हम यहां पर इस तरह से ये जीरो डिस्चार्ज कर सकते हैं। और ये पानी क्योंकि आपके वेस्ट वाटर में नहीं गया, इसलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अभी तक तो सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है? अभी तक तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रीट कर लिया। इसी तरह आपने बैक वॉशिंग जो की उसकी एक्टिविटी कार्बन की तो वो आपने वो भी ये कर ली, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि इसके बाद यहां तक तो आप ही कर ली, फिर आपकी आरओ रिजेक्शन की बात है कि आपके पास टीडीएस कितना आता है? रिजेक्शन का 12.5 कितना कैपेसिटी का प्लांट है? 82.5 आपके पास। और उसके रिजेक्शन टीडीएस कितनी है आपकी? ब्लड डेटा है आप लोगों को 1200 1300 1200 1300 मतलब यू आर इसका मतलब ये है कि आपको वो चाहिए। हमने आपको ड्राइंग दी थी डिस्चार्ज जीरो डिस्चार्ज की? नहीं सर, इनके पास विजिट नहीं हुआ था हमारा। इनके पास विजिट नहीं हुआ।